हमारी भावना कैसी हो? अभी अभी मतलब अल्मोड़ा भी अपने मन से मानती कौन सा पता यार खा तुम पहाड़ी खाना रहे हो दाल भात सब्जी कौन सा गाइज तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमानी कोरंगा ब्लॉग्स पे। कैसे हो सब लोग? आपके सब ठीक होंगे। तो फिर आज का शूटिंग का सेकंड डे है और अभी मॉर्निंग के 8 बजने वाले हैं और 8 बजे हमको रेडी होना था बट हम नहीं हो पाए हैं। मतलब सबसे पहले मैंने नहाया, अभी तो वो गई है वॉशरूम गई है, तो अभी वो फिर वो नहाएगी, उसके बाद फिर हम रेडी होंगे। 8:30 तो बजने ही वाला है ना। अभी देखो धूप भी आ गई है, अभी भी यहाँ पर धूप आई थी यहाँ पर, अब चली गई है नीचे। मतलब अब वो अभी बढ़ जाएगी धूप, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यार। सच में मैं बता भी नहीं सकती कितना ठंडा। और पता है मैंने सुबह ठंडे पानी से नहाया, मतलब सर धोया है, मैंने नहाया नहीं सर, मैंने कहा चलो बाल धो लेती हूँ करके, अभी सूख जाएंगे थोड़ी देर के बाद, तब तक मैं उसके आने तक का मैं अपने बाल बना लेती हूँ, फिर आके वो फिर मेकअप कर देगी, है ना। आज मैंने ये वाला सूट पहनना है, मतलब अभी मैंने पहना है, अब पता नहीं कौन से वाली ड्रेस पहनने के लिए कहेंगे। एक मैंने ये वाला निकाल रखा है, ये है, अगर पहनना होगा तो पहनूंगी, है ना। आज तो मेरे पास 2 ही अंतरे बचे हैं, उसके बाद चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फिर अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ और आज का मेकअप हमारा थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ही रहेगा एंड ड्रेस मैंने आपको बता दिया था। चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये लड़कियाँ भी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं यार अच्छे से जूम करके दिखा देती हूँ यार, लोगों को बुरा लग जा रहा है और इनको तो मैं चलो ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये है तो अभी एक थोड़ी देर के बाद भावना कंठपाल आने वाली है, मैं उससे भी मिलाऊंगी, आप सभी लोग उसको जानते होंगे, तो अभी थोड़ी देर के बाद निकलूंगी कर दी, तो बस आ रही होगी, पहुँच रही है यहाँ पे। हम लोकेशन पे जाने के लिए रेडी हो गए हैं और अभी बस सामान नहीं रख रहे, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले आप लोगों को पहाड़ के दर्शन करवा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये बर्फ भी आई है, अब बर्फ आने का टाइम हो रहा है ना, यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा औसम है, बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं पहाड़ की ही, तो मुझे आदत ही है पहाड़ों की, तो यहाँ पे रानीखेत भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमारा सामा भी तो बहुत अच्छा है ना, सभी लोगों को पता ही होगा बागेश्वर एंड और बाकी ना मुझे यहाँ पे घूमने का मौका ही नहीं मिल रहा क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी गाना भी ख़त्म करना है। हल्की जगह पे आ गए हैं जहाँ पे पहाड़ी खाना हमारा मिल रहा था पहाड़ी, और चलो मैं आप लोगों को पहले मिलवा देती हूँ मेकअप लोगों से। ये आ गई है हमारी भावना, कैसी हो? अभी अभी मतलब अल्मोड़ा से सीधे रानीखेत, फिर अभी हम बहुत नीचे आए हैं जहाँ हम कल आए। अभी हमारे जो है 1-2 शॉट बचे हैं तो अभी हो रहे हैं अंतरे, मतलब 1-2 एक इनकी लिपसिंग है फिर एक मेरी लिपसिंग है, तो फिर वो स्टार्ट कर रहे हैं अभी यहाँ पे। और बाकी अभी आज का लुक मेरा ये है, फिर उसके बाद आज दूसरा गाना भी शूट होने वाला है, वो भावना और उसमें भी हीरो अंकित ही है। तब कहाँ आगे चले देखो यहाँ, ये इसको ना इसको मियो ही बोलते हैं हमारे वहाँ, अब यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे तो नहीं पता है यहाँ पे क्या बोलते हैं करके, बट हमारे वहाँ इसको मियो ही बोलते हैं, इसको खाते हैं। कम मेरा जो है एक हो गया है और अभी एक अंतरा और बचा है, अब मेरा वाला है, तो उसमें भी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। मैंने कहा कपड़े तो मैं लेके आई हूँ, चेंज ही नहीं करा तो क्या फ़ायदा, तभी मैं यहाँ पर आई थी। और यहाँ देखो कितना अच्छा है, इन्होंने सब्जी वगैरह भी लगा रखी है, जैसे हमारे वहाँ को भी लगाते हैं। इसमें ये भट होगा, ये क्या है वो है ना, बैंगन, हाँ ये बैंगन है ना, भाटा और बैंगन में वो नहीं आता मुझे तब। तो ये आंटी कह रही थी कि हमारा मायका भी वहीं है करके, कहाँ है आपका? बागेश्वर। बागेश्वर, हाँ मैंने कहा मैं बागेश्वर की हूँ, कहा फिर कह रहे थे वो ककड़ी लगी है क्या? ये लौकी। अरे लौकी हुक तो, हाँ हाँ वो दूसरा वाला होगा ना लौकी। देखो बिल्ली भी है, वैसे तो ये नहीं रहते है ना वैसे, नहीं अभी बस खा के आ, फल देता हूं, फल। कौन सा फल? फल से देता हूं नहीं नहीं, नहीं अरे नहीं छी घर के होते हैं, घर में अच्छा, अरे नहीं
हम पंडित आदमी हुए। अच्छा, शादी विवाह में से आता है। ठीक है, थैंक यू। चलो फिर प्रणाम, फिर मिलती हो। हाँ ठीक है, फिर आऊंगी। खुश रहो, खूब तरक्की करो आगे को। थैंक यू। देखा, यहाँ आते रहना। हाँ यहाँ आते रहेंगे। वो जो हमारे साथ जो हमारे सर है ना, उनको यहाँ का वो पता है, मतलब तो वो लोग यहाँ आते रहते हैं। हाँ, उनको यहाँ अच्छा लगता है। तो फिर बेटा नाम क्या है? मेरा हिमानी कोरंगा। अब मैं इनको यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करवाती हूँ। हाँ, कोरंगा है हम ठाकुर। तब मुझे बुला रहे हैं शायद। नंबर ये आजकल जो है सभी को फोन चलाना आता है, सब लोग फोन चला लेते हैं। अभी हमको नहीं आता है। लगे रहते होंगे अम्मा ना उसमें तभी। चलो फिर अब वहाँ मेरी बारी आती है, फिर डांटते हैं वहाँ भी, फिर आऊंगी। हाँ, हिमानी कोरंगा। हाँ ठीक है, फिर ओके बाय डॉगी बाय। पीछे से आओगे क्या? तो गाइस आना है। हाँ ठीक है, फिर बाय। चलो मैं लेके जाती हूँ बैग। हाँ मैं ही लेके जाती हूँ उसको। तो देखो, पहाड़ी लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। बाल लग रहे हैं। और यहाँ धूप में हालत ख़राब हो गई है। बंदर ऊपर से पीछे से आ रहे हैं, बकरियाँ भी हैं। बंदर चले गए ऊपर को। बाप रे, इतने सारे बंदर इतने सारे बंदर थे ना। है पता नहीं, यहाँ से ऊपर चले गए हैं वो। अरे नहीं, हम लोग तो एक बार वहीं पर रुके, फिर उसके बाद कोई आए उधर से, फिर उन्होंने ऊपर को हका दिए। ये देखो बछड़ा, इसका नाम क्या है? इसका नाम लाली। लाली तेरे हो तू ली हो सिया पधाने लाली ती ले। यहाँ देख अगर मुंह पे मारेगा ना ये देखो, ऐसे पकड़ इसको। हाँ तो देखो, तब प्यारा सा कैट हमको मिल गया है। अब इसको गुस्सा आ रहा है यहाँ पे, इसको पकड़ दिया करके। तो मेरा सॉन्ग कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड दीपक सर को भी मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और सभी को थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस। और मैं चश्मा पहन के व्लॉग एंड करना चाहूंगा, बिकॉज मेरा सपना था छोटा सा। सो गाइस, थैंक यू सो मच पूरी टीम को, और अक्कू भाई को स्पेशल, और अपने राहुल भाई, सागर भाई, और हमारे दो खतरनाक बंदे हमारे मेकअप आर्टिस्ट। सो थैंक यू सो मच गाइज। और बहुत जल्द हिमानी कोरंगा जी के साथ मेरी एक नई वीडियो और पहली वीडियो आने वाली है। तो जैसे आपने मेरे सारे सभी गानों को प्यार दिया, इस गाने को भी खूब ज़्यादा प्यार दें और ज़्यादा ज़्यादा रील्स बनाएं। और बाकी लॉट्स ऑफ लव सभी को। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। अच्छा किया। तो गाइज अभी जो है हमारा सॉन्ग कंप्लीट भी हो गया है, एंड अब नेक्स्ट बांग्ला का है। तो बेस्ट ऑफ लक। चलो, अच्छी लग रही हो मुझे पता है। तो काफ़ी अच्छा रहा, एंड मैं आपको ज़्यादा सॉन्ग का वो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैंने कल बताया था ब्लॉग्स पे कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। एंड बाकी मैंने आपको यहाँ का जो रानीखेत का जो नज़ारा था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और अभी और दिखाऊंगी आगे को। अब तो फिलहाल मैं चेंज करूँगी, क्योंकि अब मैं फ्री हो गई हूँ। एंड अब भावना का है, तो कंप्लीट हो गया है और मैंने चेंज भी कर लिया है। तो बच्चों क्या हुआ? देखो मैंने इतना लाल पहन रखा कि तुम्हारा मुँह चमक रहा है इसमें। इतना लाल हो गया है। नीचे जो गाड़ी है ना, रुको हाँ वहाँ बात करते हैं। अरे वहाँ की चाबी है क्या? खुली है, वहाँ कोई नहीं है, खाली झूठ। अच्छा तो गाइज मैं सबसे पहले, मैं अभी आ गई हाँ, मैं सबसे पहले नीचे चले जाती हूँ और अपना बैग नीचे लेके जाती हूँ, और ऊपर से वहाँ से ना मैं सूज पहन के आती हूँ। बस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्यों बोलो, एक तो यहाँ मतलब सब घर के जैसे लोग हैं ना,